परम सत्कार योग मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू नौजवान मेरिया भैणा मेरे बुजुर्ग वीर सब तो पहला फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक मेरी बेनती है नौजवानों कि थोड़ा जा समा आपां बहुत इंपोर्टेंट गल्लां करनियां बहुत इंपोर्टेंट इशू ते इकट्ठे होए हैं थोड़ा जा समा आपां शांत रह लिए फिर आपां ला लांगे नारे नूरे जिहड़े लाउणे आ। देखो दोस्तों गल ये है ये जिहड़ा नशे के खिलाफ आपां लड़ाई लड़ रहे हैं सब तो पहला तो मैं उन्हां नौजवानों का धन्नवाद करना चाहुंदा जिन्हां ने इस लड़ाई नूं लड़न दा तुहैया कीता है क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है ये कोई सौखा जिहा काम नहीं गा। जिवें मेरे तो पहला बुलारे बोल के गए ने अज हुणे हुणे मैनूं रिपोर्ट मिली है कि बठिंडा डिस्ट्रिक्ट दे विच नशा तस्करां दे खिलाफ कार्रवाई करवाई ते अज उत्थे नशा तस्करां ने साडे उस वीर दे केसां नूं हत्थ पाया उहदी दाढ़ी नूं हत्थ पाया इहदा मतलब उहनां लोकां दे हौसले इन्ने बुलंद हो रहे ने उह एवें नहीं हो रहे दोस्तो उह सरकारां दे वरतारे नूं वेखदिआं होइआं हो रिहा है इहनूं इह कोई मजाक च पाउण वाली गल नहीं है। आपां पिछे देखिआ इसे इलाके दे विचों इक ग्रंथी ने यह लड़ाई लड़नी शुरू की मारिया तरन तारन इलाके दे विच किसे ने इहदे ते उपराला किया फौजी वीर ने उहदियां लत्तां तोड़ियां गईआं आपां सारा देखिआ इह सचमुच कंडियाला राह है ते चुनना पैणा है अगर तुसीं नसल बचाउणी आ इस नशे दे थ्रू। मेरी हथ जोड़ के बेनती है सारे यूथ नूं कि तुहाडी नसल कुशी करन ते तुरी होई आ भरावो सरकारां उह चाहुंदियां ने कि ये अपने जे नैचुरल ढंग दे नाल आपदी ये नसल जिहड़ी नसल गुरु नानक दे फलसफे नूं लैके चलदी है जिहड़ी नसल गुरु गोबिंद सिंह दे दसे राह ते चलदी है और जिहड़ी नसल हर मैदान दे विच मूहरे खड़दी है इस नसल दी नसल कुशी कीती जाए और ये नसल कुशी करन ते जोर लग्या होया है और ये एवें नहीं कि उन्हां दी पुश्त बनाई जिहड़ी हो रही है। कल मैं सुन रहा सीगा साडे परमार साहब दी इंटरव्यू दे विचों कहिंदे ने कहिंदे झोटे दे बारे गल कह रहे भी उह कौण है साडे कम च दखल अंदाजी करदा है साडे कम च कहिंदे दखल अंदाजी करदा है एडा वड्डा अफसर इह कह रहा है और मेरा सवाल है उस अफसर नूं और इत्थों दे सिस्टम नूं साडी सरकार नूं कि उह लोक इंटरव्यू का देण वाले बंदियां नूं दस रहे ने मुंडे उस पिंड दे दस रहे है कि असीं झोटे नूं टैलीफोन करके सद्दिया हुण सवाल इत्थे खड़ा हुंदा कि तुसीं तुहाडा SHO तुहाडा थाणा है तुहाडा DSP तुहाडा SSP है तुहाडा DIG तुहाडा IG बैठा है यार तुहानूं सद नहीं रिहा कोई अगर इन्हां नूं सद रहे ने तां स्पष्ट आ कि तुसीं अपने पीरियड सोटा मारो कि तुसीं किते ना किते उन्हां लोकां दी पुश्त पनाई करदिआं करदिआं ने अपना विश्वास इन्ना गवा लिया कि लोक तुहाडे ते विश्वास नहीं करदे लोक नवां राह लभदे ने कि किहड़े तरीके नाल इहदे तों खेड़ा छुट्टे। अज रोज साडियां घट्टो घट जिहड़ियां इन्हां चैनलां दे माध्यम तों असीं देखदे हां 10-10 12-12 नौजवानां दीआं लाशां जा रहीआं ने और उह कल्लीआं लाशां नहीं जा रहीआं कल्ले नौजवानां दीआं असीं इत्थों तक भी वेख्या कि नशे दे विच पागल होए किसे नौजवान ने आपदी मां दा कतल कीता आपदे भरा दा कतल कीता कहानी कित्थे जा खड़ी है इहनूं ठल पाउण दी अति लोड़ आ दोस्तो। अज इक्को ही समय इस अंदोलन दे विच बहुत सारे लोग इह गल्लां कहण वाले ने अज कहा जा रहा सी कि झोटा तां जी फरौतियां मंगदा है। मैं स्पष्ट करना चाहुंदा गल इत्थे इत्थों दे पुलिस प्रशासन नूं भी दस दिया कि भाई फरौती 400 रुपया हुंदी है और जे उन्हें फरौती मंगनी है कोई 2 लख कोई 4 लख कोई 10 लख कोई 20 लख मंगेगा 400-400 रुपया फरौतियां नहीं हुंदियां उहदे विच जिहड़ा लुकिया राज है वह जिम्मेवारी बनती सी पुलिस की लभण दी लभिया नहीं और वह लभना चाहीदा सी। सो मेरे दोस्तों आ कल का बहुत कुछ निकल के सामने आ गया
इन्हां ने इत्थे असीं बोलण वास्ते आए समर्थन करन आए उसे दिन परमार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ने उसे दिन इन्हां नौजवानों दे एक होर परचा मौड़ मंडी दे उत्ते दर्ज किया गया ते जे उह परचा दर्ज किया असीं उस दिन तो बाद इह कहा सी कि पहला साड़ी ड्यूटी सी कि केवल मानसा डिस्ट्रिक्ट इत्थे आएगा बाकी असीं अलग अलग जिलों के विच वड्डी लड़ाई की तैयारी करांगे और उन्होंने जिलों के बच्चे जाके डीसियों नूं दसांगे कि मानसा जिहड़ा कुछ हो रहा उहदे नूं कंट्रोल करो वह कल्ले मानसा का इशू नहीं है पूरे पंजाब का इशू है हर घर का इशू बन चुका है। सो इस करके पर उस समय नूं देखदिया होया असी इस गल वल नूं तुरे कि नहीं इत्थे इकट्ठ वधाउण दी लोड़ है असी आपदे जिलों की होरनां दी वी ड्यूटी लाई क्यों क्यों लाई सानूं पता लग गया कि पुलिस बदला लू भावना के उत्ते उतरी हुई है। दोस्तों इस बदला लू भावना के उतरी हुई पुलिस नू इस सिस्टम नू रोकण दे लई इक्को ही जाबता रखण दी लोड़ पैणी है। मेरे दोस्तों शांति बना के रखियो मैं दावे नाल गल करदा जे मोदी झुका लिया यह की चीज़ ने इत्थे तुहाड़ियां अखां दे सामने आ जाणी है एक दिन इह जाऊगा कि यह झोटा तुहाडे विच होएगा। अज साफ हो गया चैनलों ते चल गई चैनलों ते खबर चल चुकी है कि जिहड़े पिंड दे विच घुम्मण कलां दे विच गए उस तस्कर की मां एक पत्रकार नूं इंटरव्यू दे रही है टैलीफोन ते यह कह रही है कि झोटे ने कुछ नहीं किया ते कुछ नहीं आख्या ये तो सी उहदी मां की इंटरव्यू पिंड दे लोकां दी इंटरव्यू आ गई और उस तो अगे वो बीबी दी इंटरव्यू आ गई जिन्हें स्पष्ट करता की कहा कहिंदी पुलिस वालिया ने मैनू कह के पुलिस ने मैनू कह के एक परचा दर्ज करवाया है। अगर जे पुलिस इथों तिकर उपरी है इथों तिकर उतरिया ही है तो इहदा मतलब स्पष्ट हो गया क्लीयर हो गया कि जे तो मानसा की घटना मानसा तक सीमित होंगी तो मन लेंदे कि इतों की पुलिस की पुष्ट बनाई है यह स्पष्ट हो गया कि सरकार की पुष्ट बनाई है जिदे थले अज बठिंडे के अंदर भी परचे दर्ज होने शुरू हुए ने। इस करके इस लड़ाई नूं बढ़िया करन दी लोड़ है तकड़िया करन दी लोड़ है। मैं बीके यू एकता सिद्धूपुर वालों और एस के एम नॉन पोलिटिकल वालों रात साड़ी मीटिंग हुई है मीटिंग च फैसला लिया है कि लड़ाई दे विच चाहे जिड्डी भी वड्डी कुरबानी देनी पवे असीं देवांगे नशा रोकांगे। भरावो यह लड़ाई केवल झोटे नूं छड़ाउण दी नहीं यह लड़ाई नशे नूं रोकण दी है। अगर नशा रोकना है साडियां धीआं ते भैणां दी इज्जत बचाउणी है साडा यूथ बचाउणा है तो पूरे पंजाब के लोगों को एकजुट होकर ईमानदारी ने इत्थे विचारधारा सारिया ने इत्थे हर विचारधारा आई है बिल्कुल दिल्ली वाला रूप बनया होया है इत्थे कोई अगे नहीं कोई पिछे नहीं सारे सत्कारयोग हो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समा पूरा हो गया मैं वध लै गया वाहिगुरू जी का खालसा।